दोस्तों, आज मैं जिसकी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के नाम पे एक मिसाल रह चुके हैं। कारपेट साहब, पहचानिए इन्हें इस नाम से। कौन है ये? आप सभी जानते हैं इन्हें, हम सब के प्यारे मशहूर शिकारी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट साहब। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इन्होंने कई आदमखोर बाघों और तेंदुओं का शिकार किया था। आज मैं उनकी मशहूर किताब द मैनीटोज ऑफ कुमाऊं में से सबसे ज्यादा रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपके लिए लेके आया हूं, द मैनीटर ऑफ चंपावत, जिसका नाम मशहूर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, क्योंकि वो पहली टाइग्रेस थी जिसने 436 लोगों को अपना शिकार बनाया था। बाद में जिम कॉर्बेट साहब ने इसे मौत के घाट उतार दिया था। ये उनकी बंदूक से मारा गया पहला आदमखोर टाइगर था। इस कहानी का आगाज तब हुआ जब बाघिन ने पश्चिम नेपाल के रूपल गांव के थारू नाम के एक आदमी को अपना पहला शिकार बनाया था, जो मिट्टी से बनी हुई कुटिया में रहा करता था। यह तो शुरुआत थी, इसके बाद न जाने कितने लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। वो अपने हर शिकार के बाद खून की पगडंडी छोड़ के जाती थी। काफी शिकारियों ने उसके द्वारा छोड़े हुए निशानों का पीछा किया ताकि उसे पकड़ा जाए, पर वो कभी उनके हाथ नहीं आती थी। नेपाली सेना समझ गई थी कि उन्हें अब कुछ करना पड़ेगा, वरना ये बाघिन सब कुछ तबाह कर देगी। बहुत ही चालाकी से उन्होंने एक बहुत बड़ी पेट्रोल पार्टी ऑर्गेनाइज करी और हल्ला मचाते हुए उस बाघिन को नेपाल से सारदा नदी, जिसे काली या महाकाली नदी भी कहा जाता है, जो नेपाल के पश्चिमी हिस्से से जुड़ती है और सीधा आगे जाके हिंदुस्तान के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ इलाके में प्रवेश करती है, उसे उस रास्ते से हिंदुस्तान की ओर धकेल दिया। नेपाल से आया खतरा अब हिंदुस्तान के चंपावत गांव के लोगों पर कहर बन के टूटा। चंपावत उत्तराखंड राज्य के अंदर एक नगर है जो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आया करता था। बाघिन पूरी तरह से आदमखोर बन चुकी थी। कोई जानवर उसकी खुराक नहीं मिटा सकता था, सिर्फ इंसानी खून ही उसकी प्यास बुझा सकता था। उसने गांव वालों के दिल और दिमाग पे दहशत कायम कर दी थी। ज्यादातर बच्चे और औरतें उसका शिकार बनते थे, जो जंगल में लकड़ी काटने के लिए अकेले प्रवेश करते थे। माना जाता है कि वो बाघिन प्रातःकाल 32 किलोमीटर इंसानों को अपना शिकार बनाने की तलाश में हर रोज चलती थी। सुनने में यह तक आया था कि उसका व्यवहार एक साइबेरियन टाइगर की तरह हो गया था। उसकी दहशत ने कुमाऊं जिले के एक बहुत बड़े इलाके को अपने अंडर समेट लिया था, जिसमें काफी सारे गांव मौजूद थे। वो दिन में ही ज्यादातर शिकार करती थी। बाघिन की गुर्राहट गांव के मर्दों को काम पे जाने से रोकती थी। मानो ऐसा लगता था कि पूरा गांव उस बाघिन के डर से थमसा गया हो। उस समय की अंग्रेजी हुकूमत ने बाघिन को मारने के ऊपर काफी बड़ा इनाम रखा था। शिकारियों ने उसे मारने के चक्कर में काफी दूसरे बाघों को अपना शिकार बनाया, पर वो उस बाघिन तक कभी नहीं पहुंच पाए। उस बाघिन ने अंग्रेजी हुकूमत तक को ललकार दिया था, मानो के जैसे उन्हें किसी तरह की चुनौती मिल गई हो। लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बस नम आंखों से आसमान की ओर देख के भगवान से एक फरिश्ते के आने की दुआ की, जो उन्हें इस बाघिन के कहर से बचाए। वो तब था जब चार्ल्स हेनरी बर्थोड, जो उस वक्त नैनीताल जिले के डेप्यूटी कमिश्नर थे, अपने दोस्त जिम कॉर्बेट को मिलने उनके घर गए। कॉर्बेट साहब ने उनसे कहा कि मैं अकेले ही उस बाघिन का शिकार करूंगा, परंतु तुम्हें पहले सभी शिकारियों को वापस बुलाना पड़ेगा और बाघिन के ऊपर जो इनाम रखा है उसे हटाना होगा। भगवान ने गांव वालों की दुआ कबूल की और जिम कॉर्बेट को फरिश्ता बना के उनकी मदद के लिए भेजा। जिम कॉर्बेट, जो एक अंग्रेज थे लेकिन उनका जन्म और परवरिश हिंदुस्तान के नैनीताल जिले में हुई थी, वो जंगल और जानवरों के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे और बाघों को ढूंढने में उन्हें महारत हासिल थी। बर्थोड से मिलने के 5 दिन बाद एक लड़का चंपावत से दौड़ते हुए कॉर्बेट के घर पहुंचा, संदेशा लेके कि बाघिन ने गांव की एक औरत को अपना शिकार बना लिया है। संदेशा मिलते ही वो तुरंत अपने 6 साथियों के साथ चंपावत के लिए रवाना हुए। गांव पहुंचने पे उन्होंने उस दहशत को महसूस किया जिसे बेचारे गांव वाले इतने दिनों से खुद महसूस कर रहे थे। उन्होंने पूरे गांव को आश्वासन दिया कि वो उन्हें उस खतरे से मुक्त करेंगे। उन्होंने गांव वालों का हौसला बढ़ाया और अपनी तैयारी शुरू कर दी। 2 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि बाघिन ने हाल ही में फनगार गांव की एक 16 साल की लड़की, जिसका नाम प्रेमिका देवी था, उसे अपना शिकार बना लिया है, जो अचानक से गांव से गायब हो गई थी। खून के निशानों का पीछा करते हुए
कॉर्बेट प्रेमिका के शव तक पहुंचे। पहले उन्हें उसके कपड़े मिले, उसके बाद उसकी हड्डियां और अंत में एक कटा हुआ हाथ जिससे खून अभी भी बह रहा था। लड़की को बागिन ने पूरी तरह से खा लिया था। जैसे ही जिम कॉर्बेट लाश के बचे हुए टुकड़ों को देख रहे थे, उसी वक्त अचानक से बागिन ने उन पे हमला कर दिया। कॉर्बेट ने उस पे दो बार गोली चलाई और बागिन वहां से चली गई। उस वक्त बागिन को गोली नहीं लगी थी। इस हमले के बाद कॉर्बेट ने एक आदमखोर के शिकार करने के खतरे को समझा। बागिन के दिमाग से इंसानों के प्रति खौफ खत्म हो चुका था। वो पूरी तरह से बेखौफ हो चुकी थी। अगले दिन गांव के तहसीलदार की मदद से जिम कॉर्बेट ने 300 लोगों की एक टोली बनाई और जंगल में बागिन की तलाश में निकल गए। हल्ला और ढोल बजाते हुए गांव वालों ने बागिन को सबके सामने आने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वो कॉर्बेट के सामने आई, उन्होंने उस पर गोली चला दी। पहली दो गोलियां बागिन की छाती और कंधे में जा लगी और उनका आखिरी निशाना जो उन्होंने तहसीलदार की बंदूक से किया, जो उन्होंने पहले से ही तैयार रखी थी कि अगर उनकी गोलियां खत्म हो जाए तो वो उसे इस्तेमाल करेंगे, वो आखिरी गोली सीधा बागिन के पांव में जा लगी और वो उनसे 20 फीट की दूरी पे गिर गई और उसने अपना दम तोड़ दिया। इस तरह जिम कॉर्बेट ने उस बागिन को अपनी बंदूक का पहला शिकार बनाया। गांव वालों ने पूरी रात जश्न मनाया क्योंकि उनकी भगवान से मांगी हुई मुराद आज पूरी हुई। पूरे गांव ने अपने मसीहा कॉर्बेट साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उनके साथ मिलकर जश्न मनाया। तो ऐसे हुआ उस नरसंहार का अंत। अब हम जानते हैं कि बागिन क्यों एक नरभक्षी बनी। पोस्टमार्टम के हिसाब से इसके ऊपर और नीचे के दांत टूटे हुए थे। ऊपर वाला दांत आधा टूटा था और नीचे वाला भी। कॉर्बेट को लगा कि किसी शिकारी ने इस पे पहले हमला किया जिसमें इसे ये चोट लगी। आगे उन्होंने ये बताया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ थी और लगभग उसकी उम्र 10 साल की थी। दोस्तों, ज्यादातर हादसों में एक बाघ, शेर या तेंदुआ हमला तभी करता है जब या तो वो घायल हो या उसके दांत कमजोर हो, और शिकार ना मिलने पर ही वो इंसानों को अपनी खुराक बनाता है। चंपावत की खूंखार बागिन को मारने के बाद कॉर्बेट सभी के दिलों में बस गए और आगे चलकर गांव वालों को और नरभक्षी बाघों और तेंदुओं से बचाया। आज हिंदुस्तान के सबसे पहले नेशनल पार्क का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जिसे हम सब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। कॉर्बेट साहब के द्वारा किए गए महत्वाकांक्षी कामों का हम सम्मान करते हैं और उनके जोश और जज्बे को सलाम। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं और जल्द ही एक और आदमखोर की कहानी आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। चलता हूं दोस्तों, अलविदा।